भौतिक जीवन ऊर्जा जिसे आमतौर पर प्राण कहते हैं उसकी 5 बुनियादी अभिव्यक्तियां हैं। इन्हें समान, प्राण, उड़ान, अपान और व्यान कहते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को देख रहा है और उसने एक निश्चित पल में घोषित कर दिया कि वो मर चुका है। अगले 21 से 24 मिनट में समान निकलने लगता है। इसका अर्थ है कि समान शरीर का तापमान बनाए रखने का काम करता है। पहली चीज ये होने लगेगी कि शरीर ठंडा होने लगेगा। 48 से 64 मिनट के बीच प्राण निकलता है। उसके बाद 6 से 12 घंटे के बीच उड़ान निकलता है। उड़ान निकलने से पहले तक ऐसी तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं जिनसे शरीर को फिर से जिंदा किया जा सकता है, मगर उड़ान के निकल जाने के बाद एक बहुत छोटी संभावना होती है, पर वो एक अव्यवहारिक संभावना है। सिवाय उसके, उड़ान के निकल जाने के बाद शरीर को फिर से जीवित करना असंभव है। अगली चीज है अपान। ये 8 से 18 घंटे के बीच निकल जाता है। व्यान, जो प्राण की संरक्षक प्रकृति है, उसके बाद निकलने लगता है। वो 11 से 14 दिन तक निकलता रह सकता है, अगर वो एक सामान्य मृत्यु हो तो। यानी अगर कोई अधिक आयु से मरा, जीवन के कमजोर होने से गया, ऐसे व्यक्ति के लिए 11 से 14 दिन तक शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होंगी जिनसे पता चलता है कि जीवन का कोई तत्व बाकी है। जैसे नाखून बढ़ते हैं, चेहरे के बाल, इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना से मरा है, या दूसरे शब्दों में जीवन के जीवंत होते हुए वो मर गया, उस जीव के स्पंदन 48 से 90 दिनों तक रहेंगे। तो उस समय तक आप उस जीव के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। देखिए, मृत्यु होने पर यह होता है, मृत्यु का आपका अनुभव यह है कि कोई चला गया, पर उस व्यक्ति का अनुभव यह है कि उसने शरीर छोड़ दिया है, और क्योंकि वो शरीर छोड़ चुका है, अब आप उससे जुड़ नहीं सकते। लेकिन इसका पूरा विज्ञान है कि अलग अलग स्तरों पर क्या करना है। पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए, परंपरा है। पर अगर कोई मरता है तो कुछ लोग होंगे जो सबसे पहले शव के पैर के अंगूठों को साथ बांध देंगे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैर के अंगूठों को बांधना मूलाधार को एक तरह से कस देता है, जिससे वो जीव एक बार फिर शरीर में नहीं घुस सकता या घुसने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीव इस जागरूकता के साथ नहीं जिया है कि ये मैं नहीं हूँ। उसने हमेशा ये विश्वास किया ये मैं हूँ। हालांकि वो बाहर आ गया है, वो शरीर में मौजूद किसी भी छेद के जरिए घुसने की कोशिश करता है, खासकर मूलाधार से, क्योंकि वहीं जीवन पैदा होता है। और जब शरीर ठंडा होने लगता है तो इकलौती जगह जहां आखिर तक गर्माहट रहती है, वो आखिरी बिंदु हमेशा मूलाधार होता है। तो वो वापस जाने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए पहली चीज है पैर के अंगूठों को बांधना, ताकि ये कोशिश नहीं होगी, क्योंकि शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। पारंपरिक रूप से हमेशा ये कहा जाता है कि किसी के मरने के 1.5 घंटे या अधिक से अधिक 4 घंटे के अंदर शरीर को जला देना चाहिए, क्योंकि ये कोशिश चलती रहती है। जीवित लोगों के लिए भी ये सच है। अगर आपका कोई बहुत प्रिय मर गया है, आप जानते हैं कि वो मर गया है, मगर आपका मन चालें चलने लगता है। शायद वो अभी उठकर बैठ जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद भगवान आकर अभी कुछ अच्छा कर दें। किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, मगर फिर भी मन ये खेल खेलता है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए हमारी भावनाएं हैं। और यही उस जीव के लिए भी सच है जो शरीर से निकला है। वो भी मानता है कि वो अब भी शरीर में वापस जा सकता है। अगर आप इस नाटक को रोकना चाहते हैं, तो पहली चीज है शरीर को जला देना। जितनी जल्दी संभव हो शरीर को जला देना चाहिए, क्योंकि उससे बात खत्म हो जाती है। आप देखेंगे कि जब परिवार में कोई मृत्यु होती है, लोग रो पीट रहे होते हैं और तरह तरह की चीजें करते हैं। जैसे ही शव जलाया जाता है, लोग घर वापस जाते हैं, सब कुछ शांत होता है। कुछ समय तक कोई नहीं रोता, क्योंकि अचानक सच से सामना होता है, सब खत्म हो चुका है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उस अशरीरी प्राणी के लिए भी है जिसने अभी शरीर छोड़ा है, क्योंकि वो भी इस भ्रम में होता है कि वो वापस जा सकता है। वो रुक जाता है, जो एक अच्छी चीज है। और ये पक्का करने के लिए बहुत सी रस्में हैं। रस्मों के पीछे यही मकसद है, अगर सही तरीके से करें तो।